मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग माय फ्रेंड, दिस इज विपिन सिसोदिया, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल सो फार। तो आज हम जा रहे हैं हुमायूं टॉम्ब, तो चलिए देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं हुमायूं टॉम्ब को और उसके आसपास के परिसर को। तो ये आप देख सकते हैं, ये हुमायूं टॉम्ब का मेन गेट है, यहाँ से हमें एंट्री करनी है। तो अब हम जा रहे हैं कार पार्किंग में अपनी कार पार्क करने। तो अब हम आ चुके हैं हुमायूं टॉम्ब की कार पार्किंग में, ये देख सकते हैं हमने अपनी कार पार्क कर दी है। तो यहाँ हम आ चुके हैं हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम्ब, ये देख सकते हैं। ये आज संडे का दिन है लेकिन काफ़ी फिर भी शांत है, रश बहुत कम है क्योंकि आजकल लोग कम बाहर निकलते हैं अपने घरों से ड्यू टू कोरोना वायरस। तो हम अभी जा रहे हैं, हमें टिकट खरीदनी है, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। तो देखते हैं कैसे हमें टिकट मिलती है। ये टिकट काउंटर बंद किया हुआ है इसलिए हमें इसको ऑनलाइन बुक करना होगा, तो हम यहाँ से ऑनलाइन इसको बुक करने की कोशिश करते हैं। ये हमने टिकट बुक कर लिया है यहाँ से और हम अंदर एंट्री कर सकते हैं यहाँ। कौन? हाँ धक्का मारी। और कोई भी? नहीं। तो थोड़ी सी मेहनत और मशक्कत के बाद हम आ चुके हैं अब हुमायूं टॉम्ब के अंदर। ये आपने देखा, ये एंट्री करते हैं पहले और कुछ डिटेल्स हैं जो ये नोट करते हैं, कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हो सकता है शायद ऐसा। तो हमने अपनी टिकट ऑनलाइन बुक की थी क्योंकि यहाँ पे टिकट काउंटर बंद है अभी और शायद कोरोना की वजह से ये टिकट काउंटर बंद है। और हमारे साथ दो लोग और थे तो जिनकी हमने टिकट बुक करी थी, तो वो भी अब एंट्री कर चुके हैं अंदर। तो चलते हैं देखते हैं हुमायूं टॉम्ब को, कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है ये। आई थिंक किसी को बजवाना और विजिट करना, तो पेटीएम इंस्टॉल करके रहा है तो बेहतर होगा, फास्टली काम होगा। तो आपको हुमायूं टॉम्ब विजिट करना हो तो आप अपने फ़ोन में पेटीएम जरूर डाल के लाएं, क्योंकि अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि टिकट काउंटर हो सकता है कभी भी बंद हो या नहीं खुला हो, तो आपको किसी और की हेल्प चाहिए होगी टिकट बुक करने के लिए। तो अगर आपके फ़ोन में पेटीएम होगा तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं वहाँ से। ये बैग हमें स्कैन करना होगा यहाँ पे जो हम लाए हैं। तो यहाँ आप कुछ खाने पीने का सामान ना लाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अंदर आप परिसर को गंदा नहीं कर सकते। यहाँ आपकी चेकिंग करेंगे और ये आपका सारा सामान खाने पीने का यहाँ निकलवा के रख लेते हैं। ये यहाँ आप देख सकते हैं बैनर लगे हैं, होर्डिंग लगे हैं, यहाँ कुछ करिकुलर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। आज संडे के दिन भी ये काफ़ी खाली है क्योंकि
जैसा मैंने आपको बताया कि कोरोना की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं अपने घरों से, जिसकी वजह से ये अभी शांत है काफ़ी। अदरवाइज़ काफ़ी रश रहता है यहाँ पे, स्पेशली संडे को टिकट मिलना भी अवेलेबल मुश्किल होता है। यह है 16 मीटर ऊंचा पश्चिमी दरवाज़ा विश्वधाय स्थल बादशाह हुमायूं के मकबरे के बगीचे का मुख्य प्रवेश द्वार है। दोनों तरफ कक्षों से होकर केंद्रीय रास्ता है तथा ऊपरी मंजिल में एक छोटा सा आंगन है। मुगलों द्वारा अष्टकोटीय सितारों का प्रयोग सजावटी अंतरिक्ष संकेत के रूप में किया गया है। बिटवीन 2000 एंड 2003 द आगा खान ट्रस्ट द कल्चर फाउंडेड द कोलेबरेटेड विद द, तो ये कुछ डिटेल्स है। ये विश्व विरासत स्थल हुमायूं के मकबरे का संरक्षण कार्यों का उद्घाटन डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बुधवार दिनांक 18 सितंबर 2003 को हिज हाइनेस की आगा खां की विनीत उपस्थिति में हुआ। ये आप देख सकते हैं, शायद कुछ समझ आए। इतनी काढ़ी भाषा मुझे तो समझ में नहीं आई, बाकी ये कुछ पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अगर इसकी हिस्ट्री आपको पता होगी तो ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इसको देखने में, बाकी मैं तो इसकी खूबसूरती को देख के ही आया हूँ यहाँ पे। ये हुमायूं टॉम और उसके आसपास का पूरा परिसर आप इस मैप के थ्रू देख सकते हैं यहाँ। ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये हुमायूं टॉम है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की बरकत, हजरत निजामुद्दीन औलिया ब्लेसिंग, जाली की माया, द मैजिक ऑफ द जाली, कला और सौंदर्य, दिव्य प्रकाश। यहाँ इस खिड़की से, इस विंडो से दिव्य प्रकाश आता है जो कि आ भी रहा है अभी, आप देख सकते हैं। भारत में मुगलों ने इमारतें बनवाने के लिए शाही शामियानों से रंग से मिलते लाल बलुआ पत्थर की खोज की। ये कुछ इसकी डिटेल्स हैं, बारीकियां हैं हुमायूं टॉम की, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ। माप और आकार, हुमायूं का मकबरा 50 मीटर ऊंचा है। तांबे का बना इसका शिखर ही 6 मीटर ऊंचा है। मकबरे का कुल क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर होने के बावजूद इसकी भव्यता लोगों को अचंभित तो करती है पर परेशान नहीं। वास्तुकार सईद मोहम्मद गयात ने इस शानदार इमारत को इंसानी पैमाने को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भवन का निर्माण आकृतियां यह दर्शाती हैं कि सबसे निचले स्तर में प्लेटफॉर्म से लेकर सबसे ऊंचे गोलाकार गुंबद एक इमारत को स्वरूप देने वाला, जो कि विभिन्न घटक है उसमें नीचे से ऊपर तक एक विशेष समर्थता नजर आती है। यह गुंबद इमारत को एक महत्वपूर्ण स्मारकीय पैमाना देता है। मुगलों के मकबरे, ये आप देख सकते हैं, बाबर का मकबरा 1530 ईस्वी में बना था और हुमायूं का मकबरा 1572 ईस्वी में बना था। अकबर का मकबरा 1613 ईस्वी में बना था। जहांगीर का मकबरा 1628 और आगरे का ताजमहल 1632 ईस्वी में बनाया गया था। ये बादशाह हुमायूं 1508 ईस्वी से लेके 1556। ये कुछ स्टॉल्स एंड बुक्स हैं यहाँ पे, दिल्ली के स्मारक, सांची, हम्पी, अजंता। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ होती रहती हैं, उनके ये फ़ोटोज़ हैं कुछ, ये आप देख सकते हैं। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, सुंदर नगर, सुंदर नर्सरी, एन इनिशिएटिव ऑफ द आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, डॉक्यूमेंटेशंस, हेरिटेज कॉन्जर्वेशन,
आउटरीच, क्राफ्टमैनशिप, ईसा खान मॉस्क्यू, ईसा खान स्टॉर्म गेटवे, ये कुछ डिटेल्स हैं और जो हुमायूं के मकबरे के बारे में हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आलम ए खुशरो, ये विंडो है। नीला गुंबद, 10 मिनट वॉक फ्रॉम हुमायूं टॉम। ये नीला गुंबद इधर पास में ही है, आप चाहें तो उसको विजिट कर सकते हैं, 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। मूनलाइट एट हुमायूं टॉम, ये चांद की रोशनी में और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है, जैसा आप देख सकते हैं। ओपन एवरी डे टिल 9 PM। ये हुमायूं टॉम है। ये अब हम हुमायूं टॉम के अंदर जाते हुए ऊपर स्टेयर्स के थ्रू, तो आइए चलते हैं। अब हम आ चुके हैं ऊपर हुमायूं टॉम के फर्स्ट फ्लोर पे, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से व्यू, कितना सुंदर दृश्य है और कितना साफ़ सुथरा रखा हुआ है इसको। इसीलिए शायद मना करते हैं कि अंदर कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए, क्योंकि लोग लाएंगे तो ऑब्वियसली गंदगी भी वो यहीं करेंगे। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं इसके कि कितना अंदर तक हमें जाने दिया जाता है और अंदर इसके क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है। मेरे साथ ये आए थे दादा हमारे जो कि आए तो थे, उन्हें लगा कि वीडियो तो खाली मुझे रिकॉर्ड करनी है, तो वो अपने लोअर में और स्लीपर्स में आ गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी चप्पल टूट चुकी है पैर की, तो अभी ये मेरे साथ ऐसे ही घूमने वाले हैं पूरे हुमायूं टॉम में, और मैं तो पूरा शूट किए बिना जाने नहीं वाला हूँ, तो ये एक पैर से लंगड़ाते हुए ही चलने वाले हैं अभी। ये अपनी स्लीपर को जोड़ने की कोशिश करते हुए यहाँ पे बहुत ही मेहनत और मशक्क़त करते हुए लग रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे का कितना सुंदर दृश्य है, और यहाँ हमारे दादा बेचारे अपनी चप्पल को जोड़ रहे हैं बैठ के। तो अभी हमने बहुत मेहनत करने के बाद चप्पल का ट्रीटमेंट कर दिया है, तो अभी ये ऐसे चल पा रहे हैं। तो अब हम आगे की अपनी शूटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, तो अब अंदर चलते हैं। अंदर कहाँ से जाना है, कहाँ से जाना है, परिक्रमा ऐसे, परिक्रमा लेफ्ट से लगाते हैं, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। ये वैसे तो आई डोंट नो ये क्या है, मकबरे। हाँ, ये शायद मकबरे ही होते हैं ऐसे। एक गेट इसमें अंदर जाने का हुआ करता था पहले, कभी जब मैं आया था, जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, तो अभी मुझे नहीं पता कि गेट इसमें है या फिर नहीं है, तो हमें देखना है। ये आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कितनी हरियाली है और मकबरे ही मकबरे बने हुए हैं। ये कुछ गुफा है जहाँ पे आई डोंट नो ये क्या है, लोगों ने इसमें पैसे डाले हुए हैं, लोगों की श्रद्धा और आस्था ये कभी कम नहीं होती। जहाँ पानी भरा हुआ मिले वहाँ पैसे फेंक देते हैं।
जहाँ गड्ढा दिखे वहाँ पैसे चढ़ा देते हैं। तो आप देख सकते हैं मौसम भी आज काफ़ी अच्छा हो रहा है। और ये एक और नीचे उतरने का रास्ता है। आज एक एक कोना हम दिखाने वाले हैं आपको हुमायूं टॉम का, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ट्रैवल सो फार। ये कुछ मॉडल्स भी आए हैं यहाँ पे फोटोशूट कराने एंड वी आर ऑल्सो वन ऑफ देम। हम भी कम नहीं है मॉडल से, हमने भी पोज दे दे के बहुत सारे फोटोज क्लिक किए हैं यहाँ पे, जो कि आप देख सकेंगे हमारी वीडियोस में। तो पूरा हुमायूं टॉम का चक्कर लगाने के बाद हमने देखा इसमें कोई गेट नहीं है अंदर जाने का। पहले अंदर जाने दिया जाया करता था, है क्या? तो सॉरी, हम गलत तरफ से हम ढूंढ रहे थे, इसमें दरवाज़ा है, हम उस तक पहुंचे ही नहीं थे अभी। तो अब हम जा रहे हैं अंदर, अब जाके मिला है इसका गेट हमें। तो चलिए चलते हैं। ये मकबरे हैं, और आई डोंट नो इसके पीछे कोई हॉरर स्टोरी है या नहीं। यहाँ आप अपने दोस्तों के साथ आके हाइड एंड सीक भी खेल सकते हैं। चक्कर आ गए, चक्कर आ गए भाई। यहां मकबरे मकबरे बने हुए हैं हुमायूं के और उसके रिलेटिव के। तो अंदर से अब हम आ चुके हैं। तो आपने देखा हुमायूं टॉम के अंदर हुमायूं का और उसके रिलेटिव्स के कई सारे मकबरे हैं, और जो हम बाहर देख रहे थे नीला गुंबद, वो यहाँ से लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। ये जो हम बात कर रहे थे नीला गुंबद, वो आप देख सकते हैं यहाँ। वॉकिंग डिस्टेंस 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से, देखने में तो काफ़ी पास लग रहा है लेकिन रोड शायद 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस का होगा वहाँ। ये पीछे भी रास्ता है, वो मज़ार है, आई डोंट नो वो क्या है। और मैं यहाँ फोटो, और ये आप देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं जिनमें छोटे छोटे ताले लगे हुए हैं। ये किसके दरवाजे हैं तो क्या है ये पता नहीं, और लेकिन इसके आसपास मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ आके काफ़ी अच्छा फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं, काफ़ी सारे गार्डन है, पार्क है इतना बड़ा। तो अभी क्योंकि दोपहर का टाइम है तो काफ़ी धूप हो रही है और हम लोग काफ़ी थक भी गए हैं, तो आज काफ़ी कुछ कवर कर लिया है हमने। तो अभी समय हुआ है चलने का, तो अब हम जाएंगे और देखते हैं यहाँ आसपास में कुछ खाने पीने का होगा तो मैं वो भी रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कहाँ आप क्या खा सकते हैं अच्छे प्राइस में अच्छा खाना। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस,
सो टुडे वी हैव काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है, तो चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, किसी नई जगह पे, किसी नए शहर में। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें हमें। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, कीप कमेंटिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यहाँ हम रुके हैं छोले कुलचे खाने के लिए, तो आप देख सकते हैं ये 30 रुपये देते हैं प्लेट छोले कुलचे, और देखें आप अच्छे मक्खन वाले कुलचे। ये आ गए हमारे स्वादिष्ट गर्मा गर्म छोले कुलचे। काफ़ी अच्छा स्वाद है, आप भी ट्राई ज़रूर करें।